ये तेल है। कौन सा तेल है? अरंडी का तेल है। फिर से सुनना चाहोगे क्या आप एक बार? समझ नहीं आ रहा। समझ नहीं आ रहा है सर को, तो ये गौमूत्र है। ठीक है, आर वी रेडी सर? इसको पीछे लूँ क्या? लाइव में ऐसे प्रैक्टिकल कौन करता है भाई? रुक जाओ, नहीं नहीं लगा दूँ। ठीक है, अब देख लो सब जने स्टूडेंट्स, ये पानी है तो ये डायरेक्ट मैं अगर वायर टच कर रहा हूँ तो इट ग्लोज क्वाइट वेल। तो देख लो तार अलग अलग हैं और ये जल रहा है। इसका मतलब क्या है कि यार इसमें इतने आयन हैं कि ये करंट को फ्लो करा पा रहा है। क्लियर है? देखो मैं आई होप आप मेरी बात समझ रहे हैं सर। सर ठीक है, चलो इसको बंद करो एक बार। अच्छा तो यहाँ देखें, ये अपने पास में गौमूत्र है, ठीक है, मैं इसमें डाल रहा हूँ। तो अभी बस हम तो ये चेक कर रहे हैं कि ये इलेक्ट्रोलाइट है कि नहीं। चले सर, मस्त मजा आ रहा है। करो 1 2 3, करंट जल गई भैया। तो ये भी एक इलेक्ट्रोलाइट है और ये बात उन्होंने हमको बताई माइकल फेराडे साहब ने, लेकिन उन्होंने यही नहीं बोला कि जो गौमूत्र है, जो यूरिन होता है, वो भी इलेक्ट्रोलाइट होता है।